हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस रामगढ़। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो वेजाग स्टील प्लांट की तरफ से यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मांगा है इस फॉर्म को भरने में और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे कितने सारी आपको एप्लीकेशन फिर यहाँ पे ले जा रही है। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोला गया है, RINL इनवाइट्स यंग इन टैलेंटेड इंडिविजुअल टू जॉइन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ग्रो विद द बिकम टमोरो लीडर्स। तो यहाँ पे जो एक नंबर में यहाँ पे बोला गया नंबर्स ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे जो डिसिप्लिन यहाँ पे बोला गया है सेरामिक्स, तो सेरामिक्स यहाँ पे आपका जो वैकेंसी निकाली गई, तो सेरामिक्स के लिए जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे चार वैकेंसी यहाँ पे बताई गई। एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल, OBC, SC, फिर EWS सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे केमिकल की बात करें तो केमिकल ब्रांच वालों के लिए यहाँ पे 26 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है एंड सिविल वालों के लिए 5 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। एंड इलेक्ट्रिकल से जो लोग यहाँ पे अगर जिसका ब्रांच होगा तो उसके लिए अभी 45 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पे 10 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। एंड जो लोग यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से आते होंगे उसके लिए यहाँ पे 77 यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताई गई। एंड मेटलर्जी के लिए यहाँ पे 19 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। एंड माइनिंग के लिए 2 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो आपका वैजाग स्टील की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है इसमें टोटल जो वैकेंसी आपका 188 यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताई गई है। एंड कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख करके ही आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, नीचे में यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो नीचे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोली गई, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या बोली गई है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर टेक्निकल के लिए यहाँ पे जो बोला गया है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सेरामिक्स केमिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मेटलर्जी माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री यानी कि BE या फिर BTEC अगर आप किए होंगे, यहाँ पे जो ब्रांच यहाँ पे दिए गए हैं उस ब्रांच से अगर आप BE या फिर BTEC के होंगे और साथ में यहाँ पे 50% के साथ जो लोग यहाँ पे SC ST में अगर पा होंगे तो अगर आप पास किए होंगे तो आप जो है इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन रिलेटेड डिसिप्लिन इन गिवन बिलो, तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन जो दिया गया है सेरामिक्स दिया गया, तो सेरामिक्स के लिए यहाँ पे जो बोला गया है कि यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग फुल टाइम बोला गया जिसमें सेरामिक इंजीनियरिंग रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी बोला गया। एंड केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोली। एंड सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये सब आपका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे बताया गया है। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ली जा रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग ये सब आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैकेनिकल वालों के लिए बोला गया। एंड मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी में यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ली जा रही है मेटलर्जी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मेटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया। एंड माइनिंग में यहाँ पे जो माइनिंग इंजीनियरिंग मिनरल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ली जा रही है। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो बोला गया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु कैन सबमिट प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल बाय द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो जो कैंडिडेट फाइनल ईयर्स अगर होंगे तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू के दौरान आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले गए हैं उसको आपके इंटरव्यू के दौरान आपको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एज की बात करें तो एज यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे जो बोला गया बोर्न नॉट अर्लियर देन, तो यहाँ पे 1/1993 यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर एज लिमिट आपका 27 ईयर्स यहाँ पे बोला गया है जो कि आपका 1/1/2020 तक आपको होना चाहिए। ठीक है, और अपर एज लिमिट में आपको जो रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है 5 साल का आपको फॉर SC ST के लिए दी जा रही है और 3 साल का आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को और जो कैंडिडेट 10 साल का यहाँ पे PWD वाले लोग को आपका एज में आपको रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होंगे उसके लिए भी आपको 5 साल का आपको एज में आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे फोर्थ में आते हैं तो नीचे में यहाँ पे जो बोला कि द प्रिवेलिंग मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ RINL आर अप्लीकेबल एंड दिस सेम आर अवेलेबल इन RINL वेबसाइट, तो जो आपका हेल्थ में आपका यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पूछे जाएंगे तो यहाँ पे जो RINL का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे दी जा रही है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले या फिर SC ST जो भी आते होंगे उसको आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपको यहाँ पे किस टाइप के यहाँ पे ली जाएगी, तो यहाँ पे जो बोला कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे ली जाएगी, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू ली आपको यहाँ पे ली जाएगी। जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं उसको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे जो बोला गया कि किस किस यहाँ सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंपटीटिव ऑफ जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल इंग्लिश, डाटा इंप्लीमेंटेशन, वर्बल, एंड यहाँ पे जितने भी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें आपको यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका मार्क्स भी बताया गया है कि आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल दोनों ही आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कैंडिडेट्स हु हैव 50% आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। और 40% OBC SC वालों को यहाँ पे लाना है, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड, जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का जो सेंटर यहाँ पे बोला गया, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, काकीनाडा, मुंबई, पटना, रांची, राजमुंड्री, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम एंड विजयनगरम, ये सारे आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। आप जो भी आपका नज़दीकी होगा आप यहाँ से चूज करके आप अप्लाई करने टाइम यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू में जो बोला गया कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू अपीयर पर्सनल इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उसको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप वहाँ से जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप विजिट करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 में बोला गया कि ट्रेनिंग एंड प्रोवेशन, तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कितने दिनों के लिए आपको यहाँ पे ली जाएगी, तो कैंडिडेट सेलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड ऑन 1 ईयर। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं उसको यहाँ पे 1 ईयर का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी आपको दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको पर मंथ यहाँ पे आप स्टार्टिंग में 20,600 लेकर आपको स्टार्टिंग पे दी जाएगी, उसके बाद 24,900 से तक आपको यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ओके। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं उसके लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पे बोली गई 590 रुपये आपको इंक्लूडिंग GST लगा के यहाँ पे बोला गया फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट के लिए। और जो लोग यहाँ पे SC ST या फिर PWD में आते होंगे उसके लिए यहाँ पे 295 रुपये यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी के तौर पे यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप इस फॉर्म का कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो बोला गया कि एलिजिबल एंड इंटरेस्ट कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू RINL का वेबसाइट। तो यहाँ पे जो RINL का यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाकर इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वेबसाइट दी गई, सबसे पहले आपको इसमें जाना है, उसके बाद कैरियर का ऑप्शन में आपको चूज़ करके इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट दी गई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए 24/1/2020, इस फॉर्म को आप स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई। और जो क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो बोला गया कि 13/2/2020, इस फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट बोला गया, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए 24/1/2020 से लेकर 13/2/2020 तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट गेटवे जो बोला गया है, तो 14/2/2020 तक इस फॉर्म का जो आप अप्लीकेशन फ़ी है इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप फॉर अप्लाइंग के लिए यहाँ पे आपका कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, तो स्टेप वाइज यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में इसका ऑनलाइन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बोला गया स्टेप वन में आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाना है, उसके बाद कैरियर का ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद केयरफुल्ली यहाँ पे आपको जो बोला गया उसको यहाँ पे बोला गया, ठीक है। उसके बाद नीचे में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया उसमें आप जाकर इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ओके। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई, उसके नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको बोला गया है, यहाँ पे शेड्यूल आप देख सकते हैं, तो मैं आपको शेड्यूल पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे फी डिटेल्स यहाँ पे दी गई, जो कि मैं पहले भी आपको यहाँ पे फी डिटेल यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेशन प्रोसीडर यहाँ पे बोला गया कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप वाइज यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो बोला गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, सभी यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन यहाँ पे बोला गया है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो फॉर एनी क्वायरीज रिलेटेड टू ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे जो बोला गया, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको दी गई है, ठीक है। दोनों में आप किसी में भी आप हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दी गई, तो किसी में आप संपर्क करके आप इसका जो भी डाउट होगा यहाँ पूछ सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो आपका स्क्वायर के साइड में इसमें ओके करना है, उसके बाद जो यहाँ पे राइट साइड में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको कंटिन्यू में आपको यहाँ पे
क्लिक करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू पेज ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे जो फॉर्म है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बोला गया वैजाग स्टील प्लांट की तरफ से यहाँ पे अप्लाइंग फॉर पोस्ट के लिए, यहाँ पे तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप यहाँ सेलेक्ट अप्लाइंग फॉर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको नेशनलिटी, उसके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, OBC, SC, ST या फिर किस में। उसके बाद यहाँ से आप डोमिसाइल चूज कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो कैप्चा दी गई है इसको यहाँ पे राइट साइड में आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें सबमिट करके आप आगे की प्रोसेस को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे की प्रोसेस करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे बोला जाएगा। तो जो सबमिट करने के बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद नीचे में साइन इन करके आप आगे की प्रोसेस को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन इन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो नीचे में यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र्स दिख रहा है, तो आप क्रिएट न्यू यूज़र्स करके आप न्यू यूज़र्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड करके आप न्यू पासवर्ड आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है।